हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप लोग क्या गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे? हाँ ज़रूर खेलते होंगे। सबसे पॉपुलर गेम का नाम क्या है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से भी बहुत सारे गेम अच्छे होंगे, उसमें सबसे पहला नाम क्या आता है? अक्सर GTA के गेम्स के नाम आते होंगे, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, GTA 5 और कई सारे गेम GTA के, तो सबसे पहले यही आते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप इसे अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ बेशक, आप इसे अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इन सबको आप अपने फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, जो मैंने OBB फाइल एक्सट्रैक्ट करने दिया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और OBB फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है आपको। उसे मैं आपको बता दूँगा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर अपने वो दूसरा जो APK फाइल मैंने दिया है उसे भी आपको जो है डाउनलोड कर लेना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए OBB फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले जाइए जहाँ पर आपने OBB फाइल को एक्सट्रैक्ट डाउनलोड किया है, अब इसे अनज़िप करना है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो है एंड्रॉयड के फोल्डर में ही कर रहे हैं। अभी मान लीजिए जो है इसके अंदर की फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, इसीलिए इसे खोल लीजिए। ये फाइल जो है उसके अंदर की इसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसे अनज़िप करना है। आपको कहाँ रखना है? सबसे पहले आपको जाना है अपने इंटरनल स्टोरेज में, इंटरनल स्टोरेज में जाके अपने एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है। ये है उसमें OBB फोल्डर होगा, उसमें जाइए और ओके कर दीजिए। और यहाँ पर भी ओके कर दीजिए, ये वहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 1.7 GB की फाइल है, इसलिए बहुत जल्दी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी एक्सट्रैक्ट होने की अगर आपका फ़ोन फास्ट है काफ़ी जो है। इसे आपको अपने इंटरनल स्टोरेज में ही जो है एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि सारे एंड्रॉयड के फोल्डर और सेटअप सारे जो है एंड्रॉयड के फोल्डर में से ही चलते हैं, इसलिए आप इसे एक्सटर्नल फोल्डर में नहीं कर सकते। इस बात का भी एकदम ध्यान रखिएगा कि ये जो फाइल है आपका, ये कहीं जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में नहीं है, इसे इंटरनल स्टोरेज में होना ज़रूरी है। इस बात का बेशक ध्यान रखिएगा, और ये एक बात का और बहुत ध्यान रखिएगा कि जो है जो आपका इंटरनल स्टोरेज है वो कम से कम 2.5 GB से ज़्यादा हो, क्योंकि ये कम से कम 2.5 GB जो है ऑक्यूपाई करता है, और इसकी एक्सट्रैक्ट फाइल 2.41 GB लेती है, और कुछ APK फाइल और चीज़ मेमोरी लेता है। तो इससे कम से कम 2.5 GB चाहिए। इस बात का बेशक ध्यान रखिएगा, अगर उससे कम है तो इसे इंस्टॉल मत कीजिएगा। अभी एक बार इसे अनज़िप हो जाने दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कैसे आप अपने इस गेम को खेल सकते हैं। कि ऑलमोस्ट आपका अनज़िप हो ही गया है, बस कुछ सेकेंड्स और लगेंगे। यह एक फाइल और रखी है, वो तुरंत हो जाएगी, कुछ MB की ही है, वो 250 MB की है, वो तुरंत हो जाएगी। टाइम ले रहा है, घबराइएगा मत, ऐसे ही टाइम लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जितना आपको खेलने में मज़ा आएगा जो है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, एकदम पूरे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। अगर आपका फ़ोन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे हैं, इसमें ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, एक्सट्रैक्ट हो गया है। ये देखिए आपका एक्सट्रैक्ट हो गया आपके एंड्रॉइड के OBB फाइल में। तो फिर देखिए इसको प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये देखिए 2.41 GB लिया है, इसलिए इससे सावधान रहें कि आपके में उतना इंटरनल स्टोरेज हो। अब आपको बस जाना है GTA का जो APK फाइल है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए ये रहा, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं।
बस इंस्टॉल होने की इसकी देरी है, फिर आपका गेम भी एकदम खूब मजे में चलेगा। ये देखिए अभी से ओपन कर लीजिए आप। ऐसे आपका पूरा खुल गया ऑफलाइन मोड। You want to try? तो ये फिर ऐसे ये फिर जाके ऐसे खुलेगा, इसे आप खोल लीजिएगा। एकदम सेम टू सेम डिटेल सेंड रियास्ट की तरह है। After 5 years on the East Coast, Street home. At least it was before I fucked everything up. So आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज के लिए बस धन्यवाद। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।